वेलकम टू मूसा माज लाइफ स्टाइल। अभी हम सब सो रहे हैं और अबू और बस वाले सारे लोग जाके सैरी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पहुँच चुके हैं। अभी फजर का टाइम है, हम मस्जिदुल बिलाल में फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और जाएंगे मस्जिदुल नबवी की तरफ। गाइस अभी हम मदीना में और गाइस अभी हम आपको एक खूबसूरत मंजर दिखाते हैं। जिन जिन लोगों ने हमको दुआ करने का बोले थे के लिए दुआ अल्लाह सबको मक्का मदीना जरूर बुला। अलैकुम हज़रात, आज हम आए हैं मस्जिद नबवी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ज़ियारत करके आए हैं। ज़ियारत जो हुई है वो शॉर्ट एंड फास्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, तो बस सलाम करके बाहर निकलना है। ऐसा अभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी कब्रों की ज़ियारत करके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थक गए थे तो हम थोड़ा लेट गए वहाँ पे। इंसान बहुत मामूली है, कोई बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। ये मदीना है और ये मदीना के मस्जिद नबवी है। ये पुराने वाली है ना, ये सामने पुराने वाली मस्जिद है। सबसे पुराने वाले मस्जिद थे जो आप सामने देख रहे अश्हदु अल्ला
गाइस अभी हम मस्जिदुल नबी से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद हम उमरा की बस में आएंगे दम्माम के लिए। तो यही तक के था हमारा उमरा। गाइस पीछे मस्जिद बिलाल है और अब हम निकल रहे हैं दमाम के वास्ते। हम हमारी बस में बैठ चुके हैं। गाइस हम इस तरह के लिए रुके ले दमाम इस तरह के बाद दमाम निकलेगा। मैग्रिब का वक्त हो रहा है गाइस और हम इफ्तार करने जा रही है। तो निकालो ना फिर हो रही है। रश बहुत होने की वजह से मगरिब की नमाज इस मस्जिद में 3 बार माइक में जमात के साथ हुई ताकि बाहर भी लोग अदा कर लें। गाइस अभी हमारी इफ्तार हो चुकी है। हम जा रहे हैं दमाम के रास्ते। अब हमारी बस खड़ी है तो चलिए आपको मिलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सनराइज हो रहा है। हम तो सो रहे थे, बहुत लंबा सफ़र था क्योंकि हम बहुत थक गए थे ना। ड्राइवर ने बहुत देर कर दी, जहाँ हमें सहरी से पहले पहुँचाना था उसने सहरी के बाद के 7 बजे तक के पहुँचा। हम दमाम पहुँच गए। आपको कैसा लगा उमरा का सफर? भला सबको उमरा और हज करा।